हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज का वीडियो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो से होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आज का वीडियो है अर्नव का जो ओटी का सेशन रहता था, जो उसको ओटी के सेशन में करवाया जाता था, वो पूरे का पूरा एक्टिविटीज़ का एक सेट बनाया है। पूरे का पूरा एक्टिविटी, एक घंटे का पूरा सेशन है, मैंने पूरा शूट किया है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्टिविटी करनी है, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो आप पूरा वीडियो देखें, 4 से 5 उसमें एक्टिविटीज़ हैं जो आपके सेंसरी इश्यूज़ को इंक्लूड करती हैं, फाइन मोटर स्किल को इंक्लूड करती हैं, फोकस कंसंट्रेशन को इंक्लूड करती हैं, जो भी ऑटिज़म के जो इश्यूज़ रहते हैं उन सब को इंक्लूड करती है। इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक पूरे का पूरा कम्प्लीट सेट है एक्टिविटीज़ का। अगर आपको ये जो पूरे का पूरा सेशन है, ये दिन में एटलीस्ट आप 3 टाइम्स इसको रिपीट कीजिए, जैसे मॉर्निंग में कर लिया, आफ्टरनून में, या सोने से पहले जिन बच्चों को सोने का प्रॉब्लम होता है वो भी, तब भी आप रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इसको रिपीट करना ही है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इसमें। टेक्सचर एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट टेक्सचर का आपको बच्चे को, बॉडी को टच देना है। अगेन वो भी टच सेंसिटिविटी जिन बच्चों को रहती है तो उससे उसका, उसके लिए बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। एंड दूसरा है डीप प्रेशर है, फिंगर्स के ऊपर प्रेशर है, एंड फाइन मोटर स्किल सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है उसमें। तो आज आपकी ये शिकायत तो दूर हो जाएगी कि मैं एक्टिविटी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि हर आए दिन मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है, तो मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा नहीं है कि गाइस मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि अकेले शूट करने में अर्नव के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आज भी मैंने शूट किया है, अगर कुछ आपको कमी लगे तो उसके लिए सॉरी। एंड बहुत समय से मैं इस चीज़ को सोच रही थी शूट करने का, तो फाइनली आज मैंने शूट किया। उन पेरेंट्स के लिए भी जिनके, जिनको थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये पूरे का पूरा ओटी का सेशन है। गाइस कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ओटी थेरेपिस्ट नहीं मिलता है तो आप डेली ये पूरे का पूरा एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिपीट कीजिए अपने बच्चे के साथ, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने तो ये 7 ईयर्स तक मैंने ये एक्टिविटीज़ अर्नब को करवाई थी, उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया था, क्योंकि फिर अर्नब के अंदर कोई सेंसरी इश्यूज़ अभी है नहीं, ओनली उसको वोकल स्टीमिंग का अभी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। और अभी मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो जो मतलब पब्लिक प्लेस है या उसका बिहेवियर है उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और मैं ये बिलीव करती हूँ गाइज़ कि एक्टिविटीज़ के एक्टिविटीज़ में क्या होता है गाइस कि बच्चे को आदत पड़ जाता है। आप हर बार ये सोचते हो कि एक्टिविटीज़ करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। सच बात है, एक्टिविटीज़ से इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन उनसे जो इम्प्रूवमेंट आता है उसको आप लोग अप्लाई कहाँ करोगे? वहीं करोगे ना, जैसे पब्लिक प्लेस पर बच्चा जा रहा है, उन एक्टिविटी का रिज़ल्ट आपको वहीं पे शो होना चाहिए ना। तो वो चीज़ मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को फिर उनको पब्लिक प्लेस में, सोसाइटी में कैसे उनका जो बिहेवियर है इम्प्रूव करना है, तो उसके ऊपर एक्चुअली मेरा फोकस अभी बहुत ज़्यादा है। वहीं मुझे प्रॉब्लम आती थी और उसमें मैं काफ़ी हद तक अभी सक्सेस भी हो रही हूँ उस चीज़ में। मैं आपको अपडेट भी उसका देती रहती हूँ। तो आई थिंक एक्टिविटीज़ एक कंट्रोल मैनर में आप कीजिए, जैसे जो ओटी का सेशन रहता है, जिनके पास थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं वो करवाएं, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बाहर का बिहेवियर है, बच्चे का जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी आप काम करें। एक्टिविटीज़ तो हम लोग इसलिए करवाते हैं ना कि उनके सेंसरी इश्यूज़ थोड़े कम हो जाएं, उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सिटिंग टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाए। तो ये सब कुछ हम लोग किस लिए इम्प्रूव कर रहे हैं? ताकि वो सोसाइटी में जाकर अच्छे से बिहेव कर सकें। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखिए। एंड आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छी लगेंगी और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपके बच्चों को इस एक्टिविटी से होगा। तो चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग शेविंग ब्रश यूज़ करेंगे। तो अभी आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक आपको वैसे ही करना है। इसको हम लोग टेक्सचर एक्टिविटी बोलते हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के टेक्सचर जो है, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो बच्चे की बॉडी के ऊपर रब करते हैं, जो कि सेंसरी इश्यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देखिए वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो अभी आप देखिए, थोड़ा मैं कैमरा नीचे करती हूँ।
अर्नव ही अपने आप ही कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये जो बच्चे की ये जो आर्म्स है यहाँ पे हम लोगों को इसको रब करना है अच्छे तरीके से, इसको रब करेंगे हम लोग ठीक, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही कीजिए, ऐसे हम लोग अच्छे से इसको रब करेंगे। तो वीडियो लंबा होगा, मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करूँगी, लेकिन एटलीस्ट एक एक मिनट तो आपको ये चीज़ करनी ही है, अच्छे से आप लोग ये चीज़ करेंगे। एक मिनट हम लोग यहाँ कर लेंगे, उसके बाद नोज में नहीं डालते हैं, नेक्स्ट दूसरे इसमें करेंगे। यहां पर भी हम लोग एक मिनट के लिए करेंगे, इस तरह से आपको ये रब करना है। एंड फिर उसके बाद हम लोग लेग्स पे करेंगे ठीक, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे हम लोग लेग्स पे। तो जैसे अभी आप देखिए ठीक, इस तरह से आपको लेग्स पे भी करना है। तो ये लेग्स पे जब आप करवाते हो तो आप देखोगे कि बच्चे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको नींद आ जाएगी, मजा आता है उनको एक तरह से। तो एक तरह से ये चीजें बॉडी को रिलैक्स करने में भी हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आपको पूरा रब करना है, यहाँ भी आप एक मिनट तक लगभग कीजिए। एंड देन दूसरा जो उसका लेग्स है, दूसरा लेग में आप कीजिए, दूसरा लेग्स में इसी तरह से आपको करना है ऊपर पैर तक। ये देखो अर्नव अभी सोने लग गया है, उठ के बैठो, गुड बॉय। हाँ तो इस तरह से आपको मैंने अभी थोड़ा टाइम किया है, आपको ये ज्यादा एक एक मिनट तक आप कीजिए। हाँ तो नेक्स्ट लेंगे आप इस तरह का कोई गाइस कपड़ा चाहिए, बिल्कुल जो मलमल का होता है, रुई की तरह जो होता है, बिल्कुल सॉफ्ट जो रहता है वो भी आप यूज करेंगे। सेम प्रोसेस आपको यूज करना है इसमें भी, ऊपर आर्म्स में करोगे, ऊपर आर्म्स में करोगे ऐसे उसको फोल्ड करके थोड़ा सा, देन दूसरा आर्म करोगे आप यहां से आर्म्स, फिर नीचे लेग्स पे, लेग्स पे भी आपको अच्छे से रब करना है इसको, आराम से रब करना है इस तरह से उसको, मतलब एक टच देना है उस जो कपड़ा है उसका टच देना है आपको। फिर दूसरी लेग्स में, दूसरा लेग जो रहेगा उसमें करेंगे। तो अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम कर रही हूँ, तो आपको मैंने पहले बोला कि एक एक मिनट तक आपको लगभग करना है ये। एंड देन फिर आता है हमारे पास ये लूफा, तो लूफा को भी आप लोग ऐसे ही करोगे, मार्केट में मिलता है, इसका टच भी आपको देना है, ठीक वैसे ही दोगे आप। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज को, उनको बहुत अच्छा लगता है और पूरा रिलैक्स हो जाता है बॉडी। अर्नव को जब हम लोग करवाते थे तो अर्नव नियरली सोने को हो जाता है, उसको नींद आ जाती थी। सीधा बैठो, तो ये फिर नीचे करोगे आप, फिर लेग्स में इसी तरह से, तो ये हो जाएगा। तो शेविंग ब्रश किया, फिर ये हुआ, फिर ये लूफा, लास्ट में आएगा आपका सबसे हार्ड जो चना रहता है और राजमा, उसको आप लोग मिक्स करोगे, उससे आप लोग उसके सीधा बैठो, मस्ती नहीं उससे आप लोग फिर करेंगे। एक्चुअली वरना बहुत हंसता है, उसको गुदगुदी होती है इससे अभी। हाँ अब ऐसे रखो, नहीं तो ये नीचे गिरेगा, फिर मम्मी को उठा उठा के नीचे से भरना है आपको, ये उठाओ और इसमें डालते जाओ। हाँ अभी तो वो मस्ती करने लगता है थोड़ा, जब उसको जब छोटा सा था जब उसको ये सब चीजें करवाते थे तो आराम से बैठ के करवाता था, जैसे पता नहीं कौन सी मालिश करवा रहा है, बहुत इंजॉय करता था इस चीज को। तो इसी तरह से आपको ये भी पूरा रब करना है, इस तरह से करोगे। एंड देन लेग्स में वो देखो, अर्नव को पूरा पता है, अभी मैं इतना ज्यादा नहीं करवाती हूँ उसको, क्योंकि ये सब इशूज उसको है नहीं अभी, सेंसरी इशूज। तो पहले मैंने खूब करवाया उसको 7 ईयर्स तक। तो इस तरह से मुट्ठी में भर भर के उसको आपको करवाना है, ऐसे रब करना है, अच्छे से रब करना है, जेंटली थोड़ा रब करना है आपको। ये तो मैंने थोड़ा सा चना लिया था, आपको बहुत ज्यादा लेना है थोड़ा, और अच्छे से उसको चने और राजमा को आपने रब करना है। तो ओटी आप यहां से स्टार्ट करोगे, मतलब टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर आप बॉडी में उसका टच देना है बच्चे को। तो जब ये फिनिश हो जाएगा, चलो भरो, वरना नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट एक्टिविटी होता है गाइस, अगर आपके पास एक थेरापुटिक बॉल जो रहता है, बहुत बड़ा बॉल जो होता है, वो थेरेपी पर्पस के लिए जो होता है, उसके ऊपर उसको उल्टा करके उसको वो लेटता था, पीछे से हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे लेग से। फिर उसको जो कलर रिंग्स होते हैं, एक्चुअली डिफरेंट कलर के जो रिंग्स होते हैं, आपको भी पता होगा, वो रिंग्स उसको एक हैंड से, पहले राइट हैंड से उसको रिंग्स डालने हैं, सारे रिंग्स डालने हैं उसको। जैसे होते हैं, सबसे पहले बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो रिंग्स उससे डलवाते थे। फिर दूसरे हैंड से वो रिंग्स डलवाने हैं। अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो थेरेपी में ही करता था, मैंने उसको कभी खरीदा नहीं। तो अगर वह आप कर सकते हो तो दूसरा स्टेप ओटी का वो होता था, पहले टेक्सचर और उसके बाद वो रिंग्स वो डालता था बड़े से बॉल के ऊपर बैठ के। पहले राइट हैंड से डालेंगे सारे रिंग्स एंड देन लेफ्ट हैंड से डालेंगे। तो ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे वो मैं आपको बताती हूँ। डीप प्रेशर जो, हाँ, अभी वो भी एक बड़ा सा जो बिग बॉल रहता है, थेरापोटिक बॉल, उससे देते हैं, पर अगर हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज को पिल्लो से करेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे करती हूँ उस चीज को। तो इस तरह से बच्चे को आपको पूरा चद्दर में उसको लपेटना है, अच्छे से लपेटना है, और उसके बाद ये पिल्लू लेके कोई भी आप पूरा इसको डीप प्रेशर दोगे, पूरी बॉडी में डीप प्रेशर देंगे, ऐसे पूरा बॉडी में फुल। 1-2 मिनट तक आप ये करोगे, ये भी बच्चे को बहुत रिलैक्स करता है। इतना भी हाइपर एक्टिव बच्चा हो, मेरे बच्चे से तो हाइपर एक्टिव नहीं होगा, बाय गॉड बहुत हाइपर एक्टिव था वो। तो ये सब चीजें जब मैं करवाती थी उसको तो बहुत रिलैक्स फील करता था। देखिए अभी भी वो कितना एंजॉय कर रहा है इस चीज को। तो इस तरह से आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक आप थोड़ा डीप प्रेशर दीजिए। इस एक्टिविटी को आप दिन में अलग से भी यूज कर सकते हो, जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा रिलैक्स नहीं है, हाइपर हो रहा है, तो ये डीप प्रेशर आप दो उसको। तो ओके, तो एंड देन फिर ये एक्टिविटी हो गई। तो अब तो उसके बाद नेक्स्ट होता था गाइस क्ले। क्ले अगर आपके पास नहीं है, मैं तो आटा यूज करती हूँ, रुको, क्योंकि वो क्ले एक्चुअली खा लेता था स्टार्टिंग में, उसको बहुत आदत पड़ा इस चीज का, तो दैट्स व्हाई मैं आटा यूज करती हूँ। तो इसके इसका क्या करना है आपको, इसके ऊपर आपको फिंगर का प्रेशर देना है। आटा आप मत ही यूज करो तरीके, क्योंकि आटा हो तो फिर थोड़ा हार्ड लीजिए, थोड़ा हार्ड आटा हो, ये तो थोड़ा ढीला हो गया है, हार्ड आटा लेना है ताकि अच्छे से फिंगर्स पे प्रेशर जाए, उसके फाइन मोटर स्किल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये चीज आपको करवानी है। अभी देखिए मैं कैसे करवाती हूँ उसको। तो क्ले ही आप लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो टाइम के साथ थोड़ा हार्ड हो जाता है तो और अच्छा रहता है। इस तरह से आपको फिंगर्स पे डीप प्रेशर उसको देना है आपको। ये भी 2 से 3 मिनट आप करवाइए, क्योंकि ये ढीला है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप क्ले यूज कीजिए, क्ले तो आप खरीद ही लीजिए, इजिली मिल जाता है। ऐसे हैंड्स के ऊपर आपको उसको डीप प्रेशर देना है, नीचे कुछ आप ऐसे इस तरह का रख लीजिए, एंड देन सेम चीज आप दूसरे हैंड से करवाओगे। ये सारी एक्टिविटीज आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, उसी स्टेप में करना है आपको, थोड़ा डीप प्रेशर जाएगा तो। ओके, तो ये चीज आप करोगे। ये करने के बाद, अब जब आपने ये चीज कर ली है गाइस, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको खेलना बहुत पसंद है, वो डेली आटे से कुछ ना कुछ बनाता रहता है, आइसक्रीम बनाओ, समोसा बनाओ। तो ये एक्टिविटी क्यों होती है गाइस, इसके बाद जो आप लोग करोगे वो है राइटिंग। उसके बाद उसको राइटिंग करवाया जाता था। तो राइटिंग करने से पहले अगर आप डीप प्रेशर देते हो तो फाइन मोटर स्किल अच्छा हो रहा है, तो राइटिंग उसका जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जब भी आप 3 साल की एज में ही ये सब राइटिंग वगैरह शुरू कर दोगे, पेंसिल पकड़ना वो बच्चा शुरू कर देगा, तो उसको राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीज आप डेली करवाएंगे। इवन आप जब बोलते हो कि राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, तो राइटिंग जस्ट पहले भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो, मतलब प्रेशर देना है फिंगर पे। तो ये चीज, तो उसके बाद हम लोग करेंगे राइटिंग। तो राइटिंग में अब इनिशियली क्या करेंगे, अभी आप देखिए। तो अभी देखिए, जब बच्चा 2 साल का है या 2.5 ईयर का है, तब तो उसको अल्फाबेट नहीं आते हैं ना,
तो स्टार्टिंग में आप लोग वही डॉट लगा के उसको स्टैंडिंग लाइन, अभी जैसे हाँ वो जस्ट आप स्टार्ट करो करो स्टैंडिंग लाइन, हाँ करो इस तरह से। आप स्टार्टिंग में बच्चे को हैंड पकड़ो, अभी वो तो खुद करता है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, देखो हैंड पकड़ना है बच्चे का और बोलना है बच्चे को स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से आप करवाते चलिए बच्चे को, फिर स्लीपिंग लाइन। तो बहुत अर्ली आप उसको राइटिंग इंट्रोड्यूस करा दोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। स्लीपिंग लाइन हैंड पकड़ के आप करवा दो उसको, एंड देन स्लेंटिंग लाइन ज्वाइन करो, एंड देन डाउन, हाँ ऊपर, हाँ वेरी गुड, हाँ नीचे, आराम से यहां से हम हैंड उठा लेंगे नीचे, हाँ ओ सॉरी कैमरा हिल रहा है, एक्चुअली अकेले शूट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिनिश कर दिया। तो अभी क्या है ना गाइस, कि अगर आपका बच्चा अल्फाबेट लिखता है तो आप ए लिखवाइए, अल्फाबेट से लिखवा लीजिए। अगर आपका बच्चा स्पेलिंग लिख रहा है तो ये स्टेप में आप रैन बैन कैन वो स्पेलिंग लिखवा लीजिए। अगर बच्चा सेंटेंस लिखता है तो क्वेश्चनिंग लिखवा लिए, व्हाट इज योर नेम, तो नीचे लिखेगा वो। तो इस तरह से आप बच्चे का स्टैंडर्ड देखिए, 2 साल का है 3 साल का है, तो उस हिसाब से आप राइटिंग का ये स्टेप जो है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि उसका हैंड पकड़ के आपको करवाना है। तो ये स्टेप हो गया, हमने राइटिंग भी करवा लिया। राइटिंग राइटिंग करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है पजल। थोड़ा सा उसका बच्चे को एंजॉय भी रहता है और बच्चे का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी, लॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होता है। उसके बाद हम लोग बच्चे को पजल पजल एक्टिविटी देंगे, नेक्स्ट पजल एक्टिविटी। तो अनुम करो अभी जस्ट, हाँ अभी वो, अब देखिए ये तो लगाते लगाएगा अभी। तो पजल में क्या है, स्टार्टिंग में आप लोग पीस वाला पजल, वो पजल यूज करो जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे एनिमल के डिफरेंट पार्ट हो गए या हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट हो गए, ताकि बच्चा पार्ट्स को ढूंढ ढूंढ कर लगा सके, उसमें थोड़ा पेशेंस आए और वो सीख सके कि हाँ ये बॉडी पार्ट्स, लेग्स कहाँ जाती है, माउथ कहाँ जाएगा, हेड कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा। तो ये सब चीजें उसको करनी है। तो अभी वो कर रहा है, तो ये कर लिया है। ये क्या बनाया आपने, डियर? हाँ डियर। तो अभी मैं इसको उठा देती हूँ, जगह नहीं है, अदरवाइज ये फर्श पे जब करता है तो पूरे घर में एक एक को सजा सजा के लगाता है। ये एक्टिविटी वो अकेला भी करता है अभी अपने आप, जैसे कि अभी देख रहे हो आप कर रहा है। वो टाइगर बना दिया, दे दो मम्मी के पास। हाँ ये टाइगर मम्मी रख लेगी। तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो। तो ये स्टेप हो गया, अभी पजल आपने करवा दिया। इसके बाद का स्टेप क्या होगा गाइस, इसके बाद हम कुछ मोटर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। तो अभी ये तो फिनिश कर लेगा इसको। तो नेक्स्ट, तो ये एक और एक्टिविटी है, इसमें आपको बच्चे की आईज में मतलब उसको आईज को बंद करना है, कोई कपड़े से बांध दीजिए आप, फिर बच्चे को टच करके बताना है कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये भी जो हमारी टच करने की जो सेंस होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, इम्प्रूव करने के लिए। तो अनब स्टार्ट, चलो दो मम्मी को। शार्पनर, वेरी गुड। क्रेयॉन, वेरी गुड। इरेजर, वेरी गुड। कॉइन, एक रख दो, हाँ चना, वेरी गुड। राजमा, ओके। हाई फाई, हर एक्टिविटी के बाद आपको हाई फाई या कुछ भी मोटिवेशन जरूर देना है, ताकि बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट हो सके एक्टिविटीज को करने के लिए। उठो ये कपड़ा खोल दो, हाँ हाँ रुको एडजस्ट। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है गाइस, ये क्लिप्स लगाना है आपको। क्लिप्स को जिस तरह से अभी अर्नब लगाएगा आप देख लीजिएगा, इससे क्या होता है कि फिंगर्स पे डीप प्रेशर जाता है, जैसे हैंड फ्लैपिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, या राइटिंग स्किल के लिए हम लोगों को जो फाइन मोटर स्किल बच्चे का अच्छा होना चाहिए उसमें, तो उसमें ये इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। ये चीज़ भी आपको हर रोज़ करवानी चाहिए और ईजी तरीका है, बच्चे फन करते हैं इसमें। और इसमें आप लोग कलर कॉन्सेप्ट भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, पहले पिंक क्लिप्स हम लोग लगा लेंगे, फिर ग्रीन क्लिप्स, तो उस तरह से थोड़ा फन भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो अभी आप देखिए अर्नब स्टार्ट, पहले पिंक पिंक लगाओ, हाँ वेरी गुड। कहाँ है पिंक,
नो, पिंक लगाओ पहले, पिंक फिनिश करो। हाँ लगाओ लगाओ। अभी कौन सा लोगे? ऑरेंज हाँ ले लो। तो पहले तो ये लगाना है, करो फिनिश करो। ग्रीन भी लगा, यहाँ येलो ले लो। यहाँ पे लगा दो, बाकी इधर ये साइड में लगा दो। हाँ तो पहले तो ये लगाना है, उसके बाद बच्चे को ही बोलना है कि उसको येलो रिमूव ग्रीन करे। हाँ हाँ अभी ग्रीन बचा है तो ग्रीन लगा लो, ग्रीन यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, अलग से रहेगा ना उसमें। हाँ लगा दो। हाँ तो अभी रिमूव भी बच्चा ही करेगा तो काफी अच्छा हो जाएगा। फिर से निकालो और इसमें डाल दो। हाँ तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, तो ऑटोमेटिकली फिंगर पे जो है तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर जाता है। अरनब आराम से, ऐसे आपको बीच में कुछ भी रखना है, बॉक्स रख दीजिए या पिल्लो रख दीजिए, और एंड में आपको एक पजल रखना है, ठीक है। और बच्चे को यहाँ से जंप करके जाना है, पीछे जाओ फिर से करेंगे, बंच जंप करके जाना है और एक एक ऑब्जेक्ट उठा के उधर मैच करना है। तो अभी क्या ले रहे हो आप? नाइन हाँ लॉयन बन लो, बन रख दो। हाँ जाओ अब इसको रख दो। हाँ अभी दे, ये जंप करेंगे, जंप जंप जंप, एंड देन वहाँ पे जाके मैच करना है। हाँ अब फिर से यहाँ से फिर से जंप करके जाना है, वापस जंप करो, ताकि उसको स्टेप्स भी दिमाग में याद रखना है कि मैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, तो थोड़ा फोकस भी इम्प्रूव होता है। फिर से उसको जंप करके वहाँ पे लगाना है, एंड देन फिर से वो कुछ ना कुछ वहां से दूसरा पजल उठा के लाएगा, एंड देन फिर से जंप जंप। इसी तरह से ये पूरा पजल कंप्लीट करना है, बहुत फास्ट कर रहा है अभी। एक सेकेंड। हाँ तो